आगे श्लोक 20 से 27 में अर्जुन द्वारा सैन्य परीक्षण का प्रसंग है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्षेहम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। सज्जनों, शंख ध्वनि हो गई, रणभेरी बज गई, यानी युद्ध की शुरुआत में कोई कसर नहीं रही। परंतु उधर राजमहल में धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित है। उधर रणभूमि के ही दूसरे छोर पर दुर्योधन युद्ध की तैयारियों को देखकर अति उत्साहित हो रहा है और इधर पांडव वीर यह सब देखकर अब भी हैरान परेशान है कि हमें शताब्दी नायक नहीं, सहस्त्राब्दी नायक नहीं, बल्कि युग पुरुषों से युद्ध करना होगा। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, दानवीर कर्ण, ये सब युग पुरुष ही तो थे और ये सब विपक्षी सेना में उपस्थित थे। जाहिर है अगर युद्ध हुआ तो चाहें न चाहें उन पर बाण छोड़ने ही होंगे और बाण किसी को नहीं पहचानते कि वह साधारण सैनिक है या युग पुरुष है, जवान है या बूढ़ा है, अपना है या पराया है।